मैं सकता तो यू सी एच हॉस्पिटल में मौजूद हूँ मेरे साथ आज यू सी एच हॉस्पिटल की जो नर्सिंग स्कूल की प्रिंसिपल हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं हम इनसे पूछेंगे कि आज के दिन जो टेस्ट चल रहे हैं बच्चों के लिए क्योंकि आने वाले फ्यूचर के अंदर यहाँ पर मुख्तिक क्लासिस हो रही हैं जिसमें लेबॉरट्री है एक्सरे टेक्नीशियंस हैं और और भी दो तीन कैटेगरीज हैं हम इनसे पूछेंगे कि इस हवाले से क्रिश्चियन कम्युनिटी के बच्चे कितने यहाँ पर इस टेस्ट में जिनमें हिस्सा लिया और दूसरी कम्युनिटी से और क्या आगे फर्दर प्लान है जी पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया तो ये बताइएगा कि इस वक्त जो आपकी रिक्वायरमेंट कितनी थी बच्चों की और कितने बच्चों ने अप्लीकेशन जमा करवाई थी जी इस, इस तरह से है सबसे पहले तो यस वाल मसीह में आप सबको सलाम मेरा नाम नसीम परवेज है मैं सेवनटी एट से यू सी में हूँ और इस वक्त मैं एज ए प्रिंसिपल स्कूल ऑफ नर्सिंग यहाँ काम कर रही हूँ और खुदावंद का शुक्र है कि अब गवर्नमेंट की जो हमारे पास ट्रेनिंग है लैब की है एक्सरे ऑपरेशन थिएटर डिस्पेंसर ओ में फिफ्टी सीट्स हैं लैब में फिफ्टी सीट्स हैं एक्सरे और डिस्पेंसर में ट्वेंटी सीट्स हैं। इसके अलावा ये तो पंजाब मेडिकल फैकल्टी की हैं। इसके बाद पी एन सी की पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल की भी हमारे पास सीट्स हैं कम्युनिटी मिडवि फ्री इयर्स की और ये जितनी मैंने ट्रेनिंग्स आपको बताई ये सब अभी फिलहाल टू ईयर्स की हैं। और इनकी जो रिक्वायरमेंट है वो 45% परसेंट ओवरऑल है और 45% परसेंट साइंस सब्जेक्ट्स में है लेकिन हम ऐसा भी करते हैं कि वो बच्चे जो इस कैट जो क्राइटेरिया है जो कि 45% परसेंट का अगर उसमें एलिजिबल नहीं है तो फिर हम ऐसे बच्चे जिन्होंने मैट्रिक किया है नंबर कम है तो हम एक और ट्रेनिंग हम उनको देते हैं जो कि प्रैक्टिकल नर्स के नाम से है वो बच्चे बैठते इन्हीं बच्चों के साथ हैं लेकिन हम उनको यूसेज का डिप्लोमा दे देते हैं हम चाहते हैं कि हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी जो है वो कोई भी बच्चा जब यहाँ पे आता है तो वो पीछे ना रहे बल्कि हम कुछ ना कुछ उनको सिखाएं वो अपने पाँव पर खड़े हों और अपने ख़ानदान के लिए अपने पेरेंट्स के लिए अपने लिए वो बायस बरकत हों और कुछ कमा भी सकें तो जहाँ तक ये बात है कि जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हमारी रिक्वायरमेंट तो ठीक ठाक है लेकिन इस दफा बच्चे उस तरह से नहीं आए हैं शायद अवेयरनेस कुछ कम हुई है एडवर्टाइजमेंट कम हुआ है या और जगहों जगह तो तो जी सर हमारे पास तकरीबन ढाई सौ से ज्यादा आई है, है लेकिन जो इंटरव्यू देने के लिए बच्चे आए हैं वो टू फोर्टी फाइव वन फोर्टी फाइव तक आए हैं मतलब वो ज्यादा नहीं यानी कि आपकी रिक्वायरमेंट है डेढ़ सौ सीट की लेकिन उससे भी कम बच्चे आए हैं हां जी बिल्कुल उससे भी कम आए हैं तो नहीं जिनको एप्लीकेशन दी गई थी हाँ उनको इन्फॉर्म नहीं किया गया Uh, मुझे यही लग रहा है कि शायद ज्यादा चर्चेस में लेटर्स नहीं गए हैं लेकिन इमरान साहब कह रहे हैं कि चर्चेस में भेजे हैं लेटर तो यहाँ तो फिर वहां पे कोई इतना मोटिवेट नहीं बच्चों को किया गया हालांकि नेट पे भी डाला गया था अब नेट तो हर नहीं बच्चों नहीं बच्चों कि हो सकता है हो सकता है बच्चों को डेट का आगे पिछड़ हो गया हो आज की और कुछ अगले दिन की नहीं सर ऐसा तो नहीं है क्योंकि फॉर्म जो बच्चे लेके गए हैं उसके ऊपर सब कुछ मेंशन है।, है। तो इसलिए वहां पे तो कोई गलती हो नहीं सकती बच्चों को देखना चाहिए जब फॉर्म फिल करते हैं कि एक लाइन को पढ़ना चाहिए तो ये भी एक वजह है बाकी देखते हैं अभी भी कुछ बच्चे आ रहे हैं आउट ऑफ सिटी किसी की मोटर बाइक खराब हो गई लेकिन हम जो भी आ रहा है हम उसको दे रहे हैं ताकि वो पेपर सॉल्व सोल्व कर रहे हैं हमारे प्लेटफॉर्म से जो बच्चे अगर नहीं आ सकते अगर वो कल के दिन आते हैं या परसों के दिन आते हैं तो क्या ये पॉसिबल है कि वो आके टेस्ट दे सके जी बिल्कुल हो सकता है क्योंकि हमारे पास पेपर तैयार हैं जैसे ही वो आते हैं जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अभी कुछ बच्चे जबकि पेपर हो चुका है लेकिन अभी है। भी आ, तो हमने उनको भी दे दिया पेपर कि वो सॉल्व करें तो अगर बाद में भी बच्चे आते हैं तो आठ तारीख से सात को जैसे क्लासेस शुरू होनी है लेकिन इससे पहले पहले भी आ जाते हैं तो हम उनको टेस्ट दे के उनको एडमिशन दे देंगे जी अच्छा टोटल जो है क्लासेस का आगाज जो है सात नवंबर से जी सात नवंबर से है जी बिल्कुल सात नवंबर से है

फिर एफ एस सी करनी चाहिए जो आगे बढ़ते हैं बच्चे कुछ एफ ए कर लेते हैं या फिर कंप्यूटर रख लेते हैं तो मैं उन बच्चों को यह कहना चाहूंगी कि वो जरूर एक तो साइंस सब्जेक्ट्स के साथ मैट्रिक करें दूसरा एफ एस सी जरूर करें तो क्योंकि जब मेडिकल लाइन में अगर उन्होंने जाना है तो फिर ये बहुत जरूरी है कि जो फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो है इसमें वो जरूर इसमें करना चाहिए उनको मैट्रिक और एफ एस सी जो है एफ एस सी तो खैर उसी में करेंगे तो मैं ये भी चाहूंगी बच्चों को यूथ को कहने ना कि देखें अगर आपके हाथ में स्किल्ड है कोई भी स्किल है आप टेक्निकली कोई आपके पास है जैसे ये टेक्नीशियंस की या, या ये जो मेडिकल फील्ड है जब आप यहां आते हैं तो कोई बच्चा जो है वो बेरोजगार नहीं हो सकता क्योंकि बच्चे अभी ट्रेनिंग कर ही रहे होते हैं तो उनको जॉब मिल जाती है वो जॉब करते हैं आप एफ कर लें बी कर लें मास्टर भी कर लें लेकिन कई दफा जॉब नहीं मिलती लेकिन एक वहाद मेडिकल लाइन जो है जैसे कोरोना डेज में भी आप देखें सारी दुनिया घरों में बैठ बैठगी लेकिन मेडिकल के जो लोग थे वो कमाई कर रहे थे और बहुत ज्यादा लोगों ने जो खास पर नर्सिंग केयर दे रहे थे तो उन्होंने बहुत कमाया है सो मेडिकल का प्रोफेशन जो है उसमें आप कमा अच्छा कमा भी सकते हैं अपनी फैमिली को आप प्रमोट कर सकते हैं अपने पेरेंट्स जो हैं उनको अपने इन लॉज को लड़की कर सकती है मतलब उनके अपने खानदान जो है मियां बीवी जो हैं वो प्रमोट कर सकते हैं तो ये बहुत अच्छा प्रोफेशन है मेडिकल का और मैं समझती हूँ कि लड़के और लड़कियों को इसमें आना चाहिए ताकि वो अपने खानदानों को अपलिफ्ट कर सकें बहुत शुक्रिया आपका मिस साहब ने टाइम दिया टाइम और यू सी एच का अगर नाम सुना है तो मेडिकल लाइन में हमारे जितने भी पिछले अगर दौर उठा लें तो यहाँ से जो स्टाफ जाते थे किसी भी हॉस्पिटल के अंदर तो उनको प्रेफर पहले किया जाता कि एच से करके आया नर्सिंग करके लोग इंटरव्यू कर भी नहीं लेते थे इवन के मुझे याद है कि 93 में कोय से डेलीगेशन आया और यूसेज के जितने लोगों ने इंटरव्यू दिया उन्होंने सबको सिलेक्ट कर लिया मतलब ये एक, एक नाम था अदारे का और अभी भी नाम है, है बहाल हो रहा है और आगे भी अब जैसे हेल्थ कार्ड जो है वो अप्रूवल मिल गया है यूसीएच को तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट ये भी है और आगे भी यूसीएच के जो प्लान है उन्होंने अप्लाई करना है बी के लिए भी अपलाई करना है मतलब ये उनके जहन में है की ये जी बिल्कुल तो वो करेंगे जी यूसी ने तरफ से ये दुआएं है की यूसीएच इसी तरह तरक्की करता रहे और आगे बढ़ता रहे तो जिस तरह पहले नाम था यू का खुदा के फसल से अब भी आने वाले वक्त में इस तरह नाम जिंदा रहेगा मैं आने वाले जो और भी जो कैटेगरी के जो बच्चे हैं जिन्होंने टेस्ट दिए हैं मैं उनके टीचर से पूछता हूँ कि इस वक्त जो कैटेगरी में कितने बच्चों की उम्मीद है कि वो सिलेक्ट हो जाएंगे तो आइए ज़रा उनसे ही बात करते हैं जी हमारे साथ लैब टेक्नीशियन के लिए जो बच्चों ने सिलेक्ट होना है और उनकी जो टीचर्स हैं वो वैसा मौजूद हैं हम इनसे पूछते हैं कि आने वाले फ्यूचर में जो तो लैब टेक्नीशियन है उनका क्या किरदार होता है जी बताइएगा गुड मॉर्निंग मेरा नाम नायाब है और मैं यू में लैब को देख रही हूँ हमारे पास जिस तरह से सेंट्री टेस्ट हेल्ड हुआ है अभी इसको जैसे ही हमारा रिज़ल्ट आएगा उसके बाद जो बच्चे हैं वो हमारे पास दो साल के लिए जो है वो कोर्स यहाँ पे है फर्स्ट ईयर जो है उनका वो कोर कोर्स है सेकंड ईयर जो है उनका स्पेशलिटी है जो कि कैटेगराइज्ड है एमएलटी डिस्पेंसरी ओटी एंड एक्सरे जिस तरह से मैं आपको बता चुके हैं सर कि मैं लैब में होती हूँ तो जैसे ही बच्चे लैब में आते हैं तो उनको टोटल जो जितने भी टेस्ट हैं जिनके मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो बच्चे यहाँ पे हमारे पास रूटीन में टेस्ट होते हैं ठीक है स्पेशलाइज टेस्ट होते हैं उसके बारे में उनको गाइड करते हैं उनको पढ़ाते हैं और हमारे पास जो टेस्ट पेशेंट्स के हैं उनको भी परफॉर्म किया जाता है और इसके अलावा जो है वो अगर बच्चे यहाँ से जब पास करते हैं तो जब वो बाहर जाते हैं तो उनको एक, एक टेक्नीशियन की हाँ जी एक अच्छा अच्छा अभी तक कितने बैच को आप पढ़ा चुकी हैं मैं यहाँ पे 2017 से पढ़ा रही हूँ और अभी तक मैंने पांच बैच जो है वो पढ़ाए हैं जी हमारे साथ डिस्पेंसर और एक्सेट जो हैं उनको देखने के लिए टीचर हमारे साथ मौजूद है हम इनसे पूछेंगे कि इस वक्त जो है जो बच्चों का जो आने का फ्यूचर है वो अगला प्लान क्या होगा और बच्चे कितनी देर के बाद यहाँ से जॉब के लिए तैयार हो जाते हैं जी बताइएगा Uh, मेरा नाम डॉक्टर शाजिया शाकिफ है मैं पी एम एफ़ पंजाब मेडिकल फैकल्टी के स्टूडेंट्स को टीच करती हूँ और मेरी स्पेशलिटी जो है वो डिस्पेंसर्स को मैं हेड करती हूँ और डिस्पेंसर्स के बच्चों का फ्यूचर ये है कि वह एमरजेंसी में काम कर लेते हैं फार्मेसीज़ पे काम करते हैं और ये दो साल का कोर्स होता है और ड्यूरिंग ट्रेनिंग ही उनको जॉब ऑफर्स हो जाती हैं और मोस्ट ऑफ़ द स्टूडेंट्स जो हैं वो जॉब्स कर भी रहे होते हैं अपने पार्ट टाइम में और इसी तरह से एक्सरेज को अगर डिपार्टमेंट को लिया जाए तो आर की ट्रेनिंग होती है उसमें क्या होता है कि बच्चे जो हैं गवर्नमेंट जॉब्स भी गेन करते हैं सिमिलरली दूसरे जो फैकल्टी के बच्चे होते हैं वो भी गवर्नमेंट जॉब भी अप्लाई करने के हकदार हो जाते हैं क्योंकि उनका डिप्लोमा जो है पंजाब मेडिकल फैकल्टी से रजिस्टर्ड होता है अच्छा अभी तक कितने बैच को पढ़ा सकती हैं अभी तक मैं 2016 से जब से ट्रेनिंग स्टार्ट हुई है अभी तक मैं टीच कर रही हूँ ठीक है तो इन द फ्यूचर जो बच्चे जहाँ पढ़ के जाते हैं तो कभी ऐसा हुआ है कि दोबारा आपसे मिले आके टीचर आपने बड़ा अच्छा पढ़ाया हमें हमें वहाँ जाके जॉब मिली इस तरह जी काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जो हमारे सोशल सिक्योरिटी में काम कर रहे हैं कुछ जिना हॉस्पिटल में कुछ सर्विसेज हॉस्पिटल में तो काफ़ी स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं और आके अपने फीडबैक देते हैं और बताते हैं कि आपने हमें बहुत अच्छा टीच किया है और इस तरह से अदारे का नाम भी रोशन होता है जी राजा ओ टी की टीचर मौजूद मौजूदा हमसे पूछेंगे कि इस वक्त जो बच्चों ने टेस्ट दे दिया है तो इन द फ्यूचर दो साल के बाद क्या आप उनका फ्यूचर देती हैं? यू सी एच एक ऐसा अदारा है कि यहाँ से जो भी ट्रेनिंग निकलती है उनको हर हॉस्पिटल खुशी खुशी कबूल करता है okay. इनके साथ यूसीएच एच का नाम लगना ही बात है काम तो वो बाद में देखते हैं इसलिए इनको हायर जरूर करते हैं वो okay. क्योंकि यू सी एच में हमेशा से अच्छी ट्रेनिंग्स दी जाती हैं तो ये तो फ्यूचर में अगर देखा जाए तो कई सालों पहले की बात है कि यहाँ से जो स्टाफ तैयार होकर जाते थे तो लोग इंटरव्यू भी नहीं देते थे कि यूसीएच से आए तो जॉब ऑफर कर देते थे जी बिल्कुल स्टिल आज भी ऐसे ही है ठीक है क्योंकि हमारे जो प्रैक्टिकल नर्सेज हैं जिनका डिप्लोमा हॉस्पिटल का है वो भी पूरे प्राइवेट सेक्टर में इस वक्त काम कर रही हैं और इंडिपेंडेंटली काम कर रही हैं हमारे कुछ छोटी के स्टूडेंट्स हैं वो अक्रम कॉम्प्लेक्स है और ये कौन सा हॉस्पिटल है जो कैबलरी इसमें बहुत सारे ही सारे अस्पतालों में काम कर रहे हैं सो so, ट्रेनिंग तो बहुत अच्छी है और फ्यूचर भी बहुत अच्छा है ज़ाहिर है जो मेहनत करेगा खाली ये ओ टी टेक्नीशियन के अलावा कुछ एक्सपीरियंस हो जाता है कुछ फ़र्दर आगे और ट्रेनिंग्स कर ले तो ये बहुत आगे जा सकते हैं तो अभी तक कितने बैच को पढ़ा चुके तकरीबन जब से ये शुरू हुआ जी नाजिन आपने प्रिंसिपल साहबा का और टीचर्स का इंटरव्यू सुन लिया है और मेरे साथ इमरान टाइटर साहब मौजूद हैं जो कि सारी जो मैनेजमेंट है जो एडमिनिस्ट्रेटर है उनको चला रहे हैं और देख भी रहे हैं सर आज के दिन के हवाले से बताइएगा कि इस वक्त कितने बच्चों की जो है अप्लीकेशन आपके पास आ चुकी हैं और टेस्ट दे चुके हैं सरिद भाई पहली बात तो यह कि थैंक यू वेरी मच मैं बहुत शुक्र हूँ फ्रांसिस साहब का आपका और तारक भाई का जो हमारे हर इवेंट पे, हर मौके पे, हमारी एक छोटी सी कॉल पे तशरीफ़ लाते हैं और ये बड़ा इम्पॉटेंट है हमें अपने अदारों को प्रमोट करना है और भी भी। नेशनल न्यूज़ के हवाले से मैं ये ख़ास तौर पर तमाम व्यूर्स को ये कहना चाहता हूँ कि ये हमेशा बड़ी पॉजिटिव रिपोर्टिंग करते हैं और इनकी कोशिश होती है कि अदारे प्रमोट हों गलतियाँ कोताहियाँ हर जगह पर होती हैं लेकिन अगर हम मस्बत पहलू अपने अदारों का प्रमोट करें तो उससे अदारों की बहाली में बड़ी मदद मिलती है अब आपके सवाल की तरफ आता हूँ खुदा का शुक्र है कि गुजशत सालों की तरह इस साल भी हमारे एडमिशन्स जो हैं वो ओपन हुए हमने फॉर्म्स देना शुरू किए और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे पास लैब टेक्नीशियन ओ टी टेक्नीशियन एक्सरे टेक्नीशियन डिस्पेंसर और कम्यूनिटी मिड विफ्री जो है ये प्रॉपरली पंजाब मेडिकल फैकल्टी और पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल से रजिस्टर्ड है हमने हर साल हम उनकी सीट्स अनाउंस करते हैं इस साल भी हमने की और आज जिस तरह आपने कवर भी किया और अभी भी आप पीछे ये देख सकते हैं कि कुछ बच्चे हैं क्योंकि अभी इनका रिटर्न टेस्ट कंप्लीट हुआ है अभी इनका वाइवा होना है और इसके बाद हम मोस्ट प्रॉबली बाय ट्यूसडे हम इनका रिज़ल्ट अनाउंस कर देंगे और इसी मौके से फ़ायदा उठाते हुए मैं उन बच्चों को जिनको प्रॉपर इतला नहीं मिल सकी या जो किसी वजह से नहीं आ जा सके क्योंकि बहुत से एप्लीकेंट्स आज नहीं आए ड्यू टू एनी रीज़न तो वो अगर इंटरेस्टेड हैं तो वो ज़रूर आएँ हम उनका अलग से इंटरव्यू कर लेंगे हम इन उन राइटिंग टेस्ट कर लेंगे वो आके प्रिंसिपल को मिलें डिपार्टमेंटल हेड्स को मिलें हम उनको ज़रूर अकोमोडेट करेंगे इस अपॉर्चुनिटी से ज़रूर फ़ायदा उठाएँ अच्छा जिस तरह आप देख सकते हैं कि आपकी जो फ़ीस है उस हवाले से देखा जाए तो क्या क्रिश्चियन कम्युनिटी से कोई अगर बच्चे आते हैं तो कहते हैं कि हमें हमारे पास इतनी फ़ीस नहीं है तो कितने परसेंट डिस्काउंट कर सकते हैं आप साजिद भाई टू तो बी वेरी ऑनेस्ट यू के हालात से सारे लोग वाकफ़ हैं और है। हमारे बहुत से बहन भाइयों को ये गलत फहमी होती है और वो अपने घरों में बैठ के ये फिगर आउट कर रहे होते हैं कि जी हर साल इतने बच्चे आते हैं इतनी फ़ीस आती है तो वो पैसे कहाँ जाते हैं तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो हमारे क्रिश्चियन बच्चे हैं अगर कोई साहब किसी के कोई कंसर्न्स हैं किसी वक्त मेरे पास तशरीफ़ लाएँ देखें कि हम उनको कितना अकोमोडेट कर रहे हैं देर आर सो मैनी पीपल जो uh, फ़ीस ही नहीं पे कर पाते और उनकी सिफ़ारशें हमें आती हैं और जो सिफ़ारिशें करते हैं वो सिर्फ़ सिफ़ारिश की हद तक ऊन करते हैं कभी किसी ने मुझे ये नहीं आके कहा कि जी इसकी फ़ीस मैं दे देता हूँ आप इनसे फ़ीस ना लें तो प्लीज़ हमें अपने अदारों को मुसबत नज़र से देखने की ज़रूरत है और हमारा तो टारगेट ही दो हज़ार सोलह से हमारी ये ट्रेनिंग्स रजिस्टर्ड हुई हैं नाइनटीन सिक्सटी फ़ोर के बाद तो पहली दफ़ा 2016 में ये जो हमारी पैरामेडिकल ट्रेनिंग्स हैं ये प्रॉपरली रेकग्नाइज हुई 2016 से और आज 2022 हज़ार बाईस में आ, हमारा नया बैच आ रहा है क्रिश्चियन बच्चों को स्पेशली जो हॉस्टल में हैं हम उनको बहुत ज़्यादा अकोमोडेट करते हैं अगर वो मेरिट पे आते हैं वो प्रॉपरली अप्लाई करते हैं तो हम बहुत ज़्यादा उनको अकोमोडेट करते हैं इसलिए ये सोच के कोई बच्चा ना अप्लाई सोचे कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकूँगा हॉस्टल में रहना या मैं अपनी स्टडीज फोर्ड नहीं कर सकूंगा वो हमसे मिले हमसे डिस्कस करें हम देखेंगे हम जरूर उसको अकोमोडेट करेंगे बहुत शुक्रिया इमरान साहब आपका और ये बड़ी अच्छी खबर आपने बताई है कि अगर कोई बच्चा इस काबिल है कि वो पढ़ सकता है लेकिन वो इसी वजह से घर बैठ जाता है तो घर ना बैठे कम अज कम आके इनसे मिल लें फॉर्म फिल करें और इनसे मिल लें कि जी मैं इतने पे कर सकता हूँ और इतनी मेरी गुंजाइश है मेरे माप बाप नहीं अगर मुझे अफोर्ड कर सकते एजुकेशन मेरी तो कम अज़ कम यू सी एच का जो इदारा है जिसको जी मैनेजमेंट जो ये चला रहे हैं वो इस बात का भी बता रहे हैं कि हम कुछ ना कुछ सूरत निकालेंगे ताकि अपने माँ बाप का भी नाम रोशन करें तो मसीह कौम का भी यू सी एच के नाम था कि यहाँ से जब पैरामेडिकल स्टाफ या नर्सिस का बैज हो के जाता था तो लोग इंटरव्यू नहीं देखते थे सिर्फ ये कहते थे कि ये यू सी एच है इनको जॉब दे दें यही दौर दोबारा फिर आएगा और इस तरह यू सी एच कामयाब होगा Uh, साजिद भाई वो दौर आएगा नहीं खुदा की मेहरबानी से वो दौर आ चुका हुआ है अगर आप मैं आपको शौकत खानम जो एक बहुत बड़ा नाम है आप शौकत खानम को विजिट कीजिए आप हमीद लतीफ़ को विजिट कीजिए आप डॉक्टर्स हॉस्पिटल को विजिट कीजिए आप नेशनल हॉस्पिटल को विजिट कीजिए आप चुगताई लैब को विज़िट कीजिए शौकत खानम लैब को विज़िट कीजिए आज भी खुदा का शुक्र है कि जब से 2016 से ऑनवर्ड्स हमारी ट्रेनिंग्स रेकगनाइज हुई हैं पंजाब मेडिकल फैकल्टी से हमारे बच्चे उन अदारों में जॉब्स कर रहे हैं और आज भी ऐसा ही है कि जब वो यू सी एच उन पता चलता है कि वो यू सी एच से ट्रेनिंग करके निकले हैं तो उनको प्रायोरिटी दी जाती है और वो खुदा का शुक्र है कि हमारा एक भी बच्चा इतने बैचेस में कोई घर में नहीं बैठा हुआ और सारे अच्छी रेकग्नाइज लैब्स में हॉस्पिटल्स में और मुना अच्छी जगहों पर काम कर रहे हैं जी बहुत शुक्रिया आपका ये अच्छी इन्फॉर्मेशन दे दी है कि अभी भी आई यू का नाम जो है ज़िंदा है और इस तरह ही कायम दायम रहे जिस तरह ये काम कर रहे हैं और मेरा ख्याल है कि हमारे जितने भी अदारे हैं क्रिश्चन कम्यूनिटी के उनको इसी तरह ही कायम दायम रहना चाहिए क्योंकि सियासत से हमें दूर रहना चाहिए और अदारों को चलाना चाहिए फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ मुझे और कैमरामैन मैन तारक पर इजाज़ दीजिए खुदाफिज़